सही बात है, लड़कियों में कोई खूबी नहीं। अच्छा कोई खूबी नहीं। अच्छा चलो ये बता दो कि जो नहीं पसंद लड़कियों में, गौर से देखिए ये चेहरा, यही है वो खौफनाक चेहरा जिन्हें लड़कियों को बदनाम किया है। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल ओनली जगत। सो आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है न्यू जंडियाल ड्राई फ्रूट स्टोर ने। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप यहाँ पे जाइए यार और लुफ्त उठाइए। और आजकल जिनके दिमाग थोड़े कम चल रहे हैं ना, यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी किस्मों की ना बादाम आते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे जाइए, एक बारी विजिट करिए, जो कि ये रघुनाथ बाजार में है, नीचे मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज आज का टॉपिक बताओ यार। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि आज हम सबसे ये पूछ रहे हैं कि लड़कों में ऐसी तीन क्वालिटीज जो आप लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, और लड़कियों में ऐसी तीन क्वालिटीज जो आप लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक ये है और इसी पे हम बहुत खतरनाक वीडियो बनाने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ी स्पेशल भी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की ये वीडियो ऐसी होगी जिसमें हम सिर्फ बाकियों का रिएक्शंस नहीं लेंगे, हम फर्स्ट टाइम इस वीडियो में अपना रिएक्शन भी देंगे। और ये वीडियो लास्ट में देखना, इसमें हम दोनों के रिएक्शंस होंगे। जरा आपको भी पता लगे ना यार कि हम क्या सोचते हैं यार लड़की और लड़कियों के बारे में। तो लड़के हैं यार। बिल्कुल यार, तो जल्दी से यार वीडियो शुरू करते हैं। हमने ना तीन चीजें बतानी है, लड़कियों की खूबी और उनकी डिसलाइक। सबसे पहले आप डिसलाइक बताओ कि मतलब लड़कियों में आपको क्या पसंद नहीं है। देखिए आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा गर्ल्स के रिगार्डिंग। तो मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि बेसिकली हमारा स्टार्टिंग से जो मेन फोकस है वो रहा रिगार्डिंग बिजनेस। और रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो एक दो चीज़ हम ज़्यादातर नोटिस करते हैं कि जैसे आप लेके चलिए कि उनके नखरे, नखरे में क्या रहता है कि पता नहीं जो चीज़ आप खा रहे हो ना, लाइक एग्जाम्पल लेके चलो कि जो चीज़ आप सामने खा रहे हो, तो क्या पता वो चीज़ गर्ल्स को इतनी ज़्यादा पसंद हो कि आप मतलब कि अगर उनको पूछोगे कि आप खाओगे ये, उन्होंने नो 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 नो। कहने का मतलब ये कि मतलब शायद डेट पे गए हैं कभी ऐसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, उनका मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि वो पसंद ही नहीं है, तो क्या बताओ इतने ज़्यादा 100+ उसके शौकीन हो कि मतलब आप कह सकते हो। नंबर दो जो बात रही, जो अभी तक हम मतलब कि एक किस्म का एग्जामिन करते आए हैं, उस एग्जामिन में क्या कि कोई भी चीज़ मतलब कि गर्ल्स आपको इग्नोर करेगी। इग्नोर किस लिए करेगी, मीन्स कि अगर आप उसको देख रहे हो कि भाई गर्ल्स आ रही है, इन बिच की उन्होंने आपको देख भी लिया होगा, बट ये कि आप वो प्रटेंड करेगी मतलब कि इग्नोर कर देगा, हमने नहीं देखा। हाँ, तो ये चीज़ मतलब बॉयज़ को थोड़ा सा मतलब दिखाती है कि यार ये गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है किसी हिसाब से, है ना। तो चलो अब लड़कियों की खूबी बता दो चलो, कि जो आपको अच्छा लगे। हाँ भाई ये लड़कियों में अच्छा होता। हाँ अच्छे में क्या कि देखो कुछ गर्ल्स को लेके चलो एज वेल कि हमारे जो क्लोज फ्रेंड भी है उनमें क्या कि कुछ ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं, कि उनको कोई भी काम अगर इन विच की मैं अगर मेरी भी एक फ्रेंड है अपने रिसेंटली इधर की गांधीनगर की, अगर उनको मैं 10 बजे या 11 बजे भी एक कॉल करता हूँ ना, तो वो काम मतलब कि कोई भी हेल्पफुल हो वो हेल्प बिल्कुल। हाँ तो 10-11 बजे ऐसा कौन सा काम होता है भाई? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका। अब 10 हमारे क्वेश्चन ही सारे अच्छे होते हैं। अब 10-11 बजे की बात लेके चलो तो जरूरी नहीं कि मतलब हम फोन पे 10-11 बजे गपशप मारने के लिए फोन करें। हम हो सकता है उनको जो हमारा ऑफिस के रिलेटेड लेके चलो या मतलब कि पूरे दिन का जो काम किया उसके बारे में मतलब 10-11 बजे पूरी बहुत ही अच्छा कवर कर लेते हैं। ये जो 10-11 का जो टाइम कवर किया ना भाई ने, आया है बिल्कुल बिल्कुल खत्म। हो सकता है हमने अपना जिसे कहते हैं ना फ्री टाइम उन्होंने सेट किया हो कि हम 10-11 बजे एक स्पेशल एक टाइम निकाल कर उनके साथ जो भी अपना मतलब सिर्फ दो ही जन है, कोई बाकी नहीं, बाकी अलाउड नहीं है, बाकी वो नहीं मतलब समझ रहे हैं ना। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं जिंदगी में, फ्रेंड्स आप भी हैं वो भी हैं वो भी है, बट जो क्लोज फ्रेंड होता है वो दो ही होता है जिसके साथ हम 10-11 बजे बात कर सकते हैं। कुछ ज्यादा आता है क्लोज है वो गांधीनगर वाले। जी जी। कोई ऐसी तीन क्वालिटीज लड़कियों में जो आप डिसलाइक करते हो? उनका झूठ बोलना यार सबसे ज्यादा, वो हर कोई डिसलाइक करता है एक्चुअली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्चुअली ये बात भैया ने बिल्कुल सही बोली, एक झूठ बोलती हैं, चीजें छुपाती हैं आपसे, एक वो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा एक रीजन है। लेकिन झूठ तो लड़के भी बोलते हैं। लड़कियों के बराबर नहीं, मगर लड़के गलतियां छुपाते हैं, लड़कियां हर कुछ छुपा जाती है। ये बात वैसे सही बोली भैया ने, हर कुछ छुपा जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ भैया? और लड़कियों के यार लाइक आप कह सकते हो कि और मेरे ख्याल से और मुझे कुछ और ऐसा लगता नहीं जो लड़कियों के अंदर मुझे ऐसा कुछ ख़राब लगता हो। आपने बोला कि जैसे लड़कियां झूठ बोलती हैं, ठीक है, कैसे डील करते हैं लड़के की जब लड़कियां झूठ बोलती हैं? मतलब हमें पता होता है कि लड़कियां झूठ, अब पता है तो पता है आपको खून का घूंट पीना पड़ता है, यू कांट फाइट विद देम।
ये आपने सही बोला। आपको पता भी है तो भी आप कुछ नहीं कह सकते सिवाय इसके कि अच्छा ओके ठीक है। अभी आप मैरिड हो? नहीं यार, अभी अबाउट टू गेट मैरिड। ओके, अबाउट मतलब भैया पहले से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, भैया की शादी होने वाली है तो भैया पहले से ही ज्ञान सबसे ले रहे हैं हर जगह से कि भाई ऐसे चलना है ऐसे नहीं चलना है। और आपको ये भी पता है कि अगर लड़की ने झूठ बोल दिया तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है। कि भाइयों आप मुझे ये बताओ कि मतलब लड़कियों में ऐसी कौन सी तीन खूबी होती है जो आपको पसंद है और तीन जो डिसलाइक है जो आपको नहीं पसंद, पहले खूबी बता दो। लड़कियों में सबसे पहले तो लड़कियों में अच्छा कोई खूबी नहीं होती है लड़कियों में, भाई सोचने लग गया। सही बात है, लड़कियों में कोई खूबी नहीं। अच्छा कोई राजा जी क्या लग रहे हो, खूबी नहीं। अच्छा चलो ये बता दो कि जो नहीं पसंद लड़कियों में, बात करने की तमीज नहीं होती। अच्छा और भी बड़ा कुछ है, क्या बताऊं अभी। अच्छा चलो भाई 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 तुम्हें अकड़ होती है बहुत ज्यादा। अच्छा अकड़ होती है। हाँ। भाई ये की नहीं बाप। हाँ, और सही और सही ये है की लड़की कम ही मिलती है प्यार करने वाली। सही बात, ज्यादा टाइम पास ही होता बस। आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। ओए हाय, कितना कुछ बता दिया लड़कियों का, खूबी तो बताई नहीं है लेकिन बड़ा कुछ बता दिया भाई। बताइए कोई तीन ऐसी क्वालिटीज लड़कियों की जो आपको पसंद है या नहीं, आप डिसलाइक करते हैं, कोई भी तीन ऐसी क्वालिटीज। तीन क्वालिटीज ऐसे तो रैंडम बताना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जैसे लड़कियाँ होती हैं तो वो बहुत बातूनी होती हैं। अब बातूनी में अब इसको अच्छे में भी देख सकते हैं और नहीं में भी, अच्छे में इन द सेंस कि प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो काम भी आ सकती हैं। अगर जैसे हमारे सास सासू माँ देखें या टीवी शो में देखें या घर में माँ बहन बैठी हुई हैं तो वो नेगेटिव वे में देख सकते हैं कि वो किसी काम की नहीं है, तो ये सबसे पहली चीज़ है। तो दूसरा ये है कि उनके अंदर लविंग केयरिंग बहुत नेचर आई है, वो तो वो उसके खिलाफ भी जा सकता है तो उसके काम भी आ सकता है। तो बाकी तीसरा वाला दिमाग में तो नहीं आ रहा अभी, तो फिलहाल ये दो ही हैं। वैसे भाई ने बहुत पते की बात बोली है दोनों। मैम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कोई ऐसी तीन क्वालिटीज़ जो आपको लड़कों में पसंद आती हैं या आप डिसलाइक करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा लड़का तो नहीं चाहिए। नहीं, लड़कों के साथ जो जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है काफ़ी मतलब अच्छा ही रहा है। आप देख रहे हो बोल भी रहे हैं, लड़कों के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट उनके अंदर मैंने जो देखे हैं गुड क्वालिटीज़ ही मैं सर्च करती हूँ, तो जितने मेरे फ्रेंड्स भी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब कि उनका नेचर देखा जाए या बिहेवियर देखा जाए लड़कियों के लिए तो वो काफ़ी, जैसे लड़के बोल्ड होते हैं नो डाउट, और मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं, बट कुछ शाही भी होते हैं जो बताने से हिचकते हैं कुछ भी चीज़। जैसे मैं लड़के मतलब कि देखा जाए मेन उनका रहता है रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो लड़कियों की रिस्पेक्ट भी करते हैं और केयरिंग करते हैं, बट वो हमेशा शो नहीं करते, वो कुछ एक्शंस के थ्रू केयरिंग करते हैं। लड़कियां कहती हैं ना कि हाँ ठीक है बोल के बताओ कि हाँ आप हमारी केयर करते हो, बट वो एक्शंस के थ्रू करते हैं तो वो। लेकिन ये लड़कियां जो होती हैं कैमरे पे ही ऐसा क्यों बोलती हैं, मतलब पर्सनली ऐसा क्यों नहीं फील करती लड़कियां? मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तभी मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे। भाई आप बहुत सुखी हो यार, आप बहुत सुखी रहने वाले हो सच में, बड़ा मजा आ रहा है। जी जी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लविंग भी होते हैं केयरिंग भी होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हाइड करते हैं। मतलब लेकिन लड़कियां लविंग केयरिंग नहीं होती है? बिल्कुल, वो दिखाती ज़्यादा है, बट कोई कोई होती है कि अंदर से मतलब वो करती है कि नहीं यार आप भी दिखाओ आप भी दिखाओ, लड़के नहीं शो करते, शो ऑफ नहीं पसंद। डिसलाइक्स बता दो आप, क्या डिसलाइक करते हैं? ज़्यादा मतलब कुछ होते हैं लड़के शो ऑफ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैंने देखे हैं कि वो शो ऑफ नहीं करते, जो मेरे अपने नोन में या कुछ भी है वो शो ऑफ नहीं करते, बट वो केयरिंग रिस्पेक्ट और लविंग होते। भाई आप भी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ बता दो, इन्होंने इतनी सारी बता दी, अब आपका भी थोड़ा हम यार बॉयज पावर आप भी थोड़ा बताइए इनको कि हमारे आप भी हमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं। देखो बॉयज़ पावर तो चलो ठीक है एक साइड रही, लेकिन जो मेरा पहला पॉइंट है वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि लड़कियाँ बहुत बातें करती हैं। ठीक है तो वो यहाँ पे देख लीजिए, एक्चुअली में मेरा पॉइंट है मतलब कोई ना कि सारी बातें डिटेल्स में गए, गौर से देखिए चेहरा, यही है वो खौफनाक चेहरा जिन्हें लड़कियों को बदनाम किया है, यही है वो जो बोलते हैं कि लड़कियाँ बहुत बातें करती हैं, यही है वो चेहरा। ये जम्मू के, अब मैं भी जम्मू की हो गई हूँ, मैं एक्चुअली आई बिलोंग टू बिहार। ओके आप बिहार से हैं, मतलब आप स्टार्टिंग से आई लिव हियर एंड मेरी अपब्रिंगिंग भी यहीं पर हुई है, स्कूलिंग अपब्रिंगिंग जॉब भी मैं यहीं पे करती हूँ, तो मतलब सारा कुछ लकीली आई गॉट हिम एंड माता रानी ने मेरी विशेस पूरी की है। ये वैसे भाई एक पर्सनल सवाल है मेरा आपसे, ये वैसे मैम ऐसा कैमरा पे ही बोलते हैं या जब आप अकेले होते हैं इनके साथ तब भी ऐसे प्यार करते हैं आप? नहीं 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 ऐसा है, ये है, ये दिल से है, जो भी है दिल से है, ये ऐसा नहीं है। मैं जो रुका गुलाम बन के रहूंगा। हे गाइस, तो ये थे यार लोगों के रिएक्शंस।
और अब बारी आ रही है हम दोनों के रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले सार्थक बताएगा कि लड़कियों में क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो भी जल्दी से। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यार मुझे सोचने में, कम से कम दो चीज़ें सोचने में मुझे 2 घंटे लग गए कि मैं क्या, ऐसा क्या अच्छा होता है यार, मतलब ऐसा क्या अच्छा है। लेकिन 2 घंटे कड़ी मेहनत और कड़ा परिश्रम करने के बाद मेरे दिमाग में 2 बहुत ही अच्छी चीज़ें आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहली चीज़ लीजिए, आपके सामने पेश करते हैं हम। पहली चीज़ ये है कि जहाँ तक अगर हम देखें पहले के ज़माने के मुकाबले और आज का ज़माना देखें, तो लड़कियाँ एजुकेशन में तो एक्सेल करती हैं नो डाउट। आजकल की लड़कियाँ स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं, तो वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि लड़कियाँ जहाँ पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रही हैं, वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी लड़कियों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि लड़कियाँ चलो हर चीज़ में, हर फील्ड में आगे जा रही हैं, आगे उभर कर आ रही हैं, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। और दूसरी एक अच्छी क्वालिटी है जो मेरी अपनी आप बीती है, जो मेरी भी फ्रेंड्स हैं, तो ये एक अच्छी और क्वालिटी है कि लड़कियाँ हेल्पफुल भी होती हैं। मतलब सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि वो सिर्फ आपसे ही काम निकाल देंगी, मतलब निकालने वाली नहीं। हेलो अजितेश यार, मेरा 20 रुपये का रिचार्ज करा, इसको मेरी एग्जांपल मिलती है, जब देखो इसको मेरी मिलती है। तो ऐसा नहीं है, हर कोई लड़की 20 रुपये का रिचार्ज नहीं करवाती, कोई कुछ कुछ 399 का भी प्लान करवा लेती है। जोक्स असाइड, लड़कियाँ हेल्पफुल भी होती हैं। तो ये 1-2 क्वालिटीज़ अच्छी हैं लड़कियों में जो मुझे अच्छी लगती है अपने से। अब हम अजितेश से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो इसको पसंद नहीं आती लड़कियों में। तो सबसे पहले यार लड़कियों के, यार मतलब अगर आप कहीं आप शॉपिंग पे जाओ, ठीक है, तो वो जब ड्रेस पसंद करती है तो वो ड्रेस तो कम से कम 3-4 हज़ार की तो होती है। इधर खाली खुद मेरे को 50 रुपये का कच्छा मैं पहनता हूँ, पर कहाँ मैं 2-3 हज़ार का उनको शॉपिंग कराऊँ यार। वैसे मैं बता दूं 50 का ये पहनता होगा, मैं 55 रुपये का पहनता हूँ, जो सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान देख रहा है ऊपर से, झूठ नहीं बोलना, व्यूअर्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यूअर्स को झूठ नहीं। 50 बस इक्वल टू नीचे कमेंट से बता दीजिए यार, कमेंट में बता दो। अभी हम शूट पे है तो बहुत गर्मी थी आज एज यूजुअल। अरे एक और चीज तो बता, दूसरी यार छोड़ो ना यार, अब क्या लड़कियों की तारीफ करनी है, लड़कियां तो तारीफ के काबिल ही होती हैं यार, लड़कियां तारीफ के काबिल होती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपका अपना प्यारा चैनल ओनली जगास। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।